हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। कल रात मैंने जिम के बाद कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मुझे काफ़ी थकान हो गई थी, और अभी सुबह सुबह आज मुझे जल्दी उठना था क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी थी, और पैकिंग मुझे करनी थी क्योंकि मुझे अभी निकलना है घर को। मतलब मैं चंपावत को निकल रहा हूँ अभी होली सेलिब्रेशन के लिए, तो अभी निकलता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ वहीं के कुछ सीन। तो आगे की वीडियो अब जो आएगी वो सीधे चंपावत से ही आएगी, तो अब मिलते हैं आपसे सीधा चंपावत में। तो अभी हमारा यहाँ पे चल रहा है एक छोटा सा टी ब्रेक। Later that same evening. तो अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, हम रुके नहीं, और वैसे भी अब चंपावत काफ़ी नज़दीक है, कुछ ही किलोमीटर रह गया है। और अभी हम यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे थे तो हमें एक चीज़ दिखी, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। तो यहाँ पे है कुछ बुरांस के पेड़, और हम जैसे ही चंपावत वाले एरिया में पहुँचे तो हमें ये दिखने लग गए थे। और ये उत्तराखंड का स्टेट ट्री है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था तो उसमें इसने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी काम किया था, ऐसा कुछ साइंटिस्ट ने बताया। और वैसे पहाड़ों में इसका जूस भी बनाया जाता है, इसके जो रेड रेड फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो रेड रेड फ्लावर्स हैं इनका यहाँ पर जूस भी बनाते हैं। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है मेडिसिनल यूज़ से भी, और बाकी इसका जूस वगैरह भी बनाते हैं। और ये इधर भी है, मतलब काफ़ी हो रखे है इधर पे बुरांस के पेड़ वैसे। तो चंपावत यहाँ से कुछ ही किलोमीटर रह गया है, और अब थोड़ी खुशी सी हो रही है घर जाने में, तो अभी निकलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको आगे के सीन। तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं घर, कुछ ही मीटर पे रह गया है अब, और अभी इंतजार है मुझे मौली और भूटू के रिएक्शन का, क्योंकि अभी दीदी से मेरी शर्त लगी हुई है कि भोटू जो है, मतलब मौली तो मूडी है बिल्कुल, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन भोटू काफ़ी मतलब अच्छा रिएक्ट करता है क्योंकि उसे बहुत खुशी होती है, तो वो एकदम चिल्लाने लगता है, शोर करने लगता है। तो अभी देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ मैं उनके रिएक्शन। मम्मी ने मेरे को गले लगाया ब्लॉग के लिए। अंदर से भाई। मौली चिढ़ा है भोटू को गोद में पकड़ा करके। मौली फर्स्ट टाइम भोटू को नीचे गिरा दूं मैं पूछ खींच के। ये ठीक हो